ऑडियो कोर्स चुनने के लिए आपका फिर से शुक्रिया। आज तीसरा दिन है और आप पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, है ना? उम्मीद है आपकी हिम्मत बस नहीं हुई, क्योंकि आज हम और भी मेहनत करने वाले हैं। 10 मील की दौड़, 1 मील तैरना, फिर साइकिलिंग, स्टेप मशीन, एब्स, स्क्वाट्स, पुशअप, स्क्वाट्स। अपने चुने हुए प्रोफेशन में कामयाबी के अपने रास्ते के बीच किसी को आने मत दो। सुपर लीग ट्रॉफी, हम आ रहे हैं। कमाल है, क्या बात है, क्या बात है। वो ग्लैमर, वो शहरत, आपके तकिए पर रखी हुई वो छोटी फैंसी चॉकलेट्स, ये है स्काई बॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा फुटबॉल टूर्नामेंट। ये तो कमाल है। स्काई बॉल अल्टीमेट 5 दुबई के मेरे नए होटल ला मिराज के ऊपर होने वाला एक अनोखा टूर्नामेंट है। फुटबॉल के इतिहास में पहली बार विनर का फैसला होगा पब्लिक वोट से। सुपर लीग को भूल जाओ, ये है फुटबॉल का असली मुकाबला। सुल्तान चाहे जो भी नाटक करे, मैं तो असली फुटबॉल के साथ ही रहूंगा। और स्काई बॉल अल्टीमेट 5 के सबसे पहले मुकाबले में सुल्तान का सामना करेंगे सुपर स्ट्राइकर्स। तुम हो गए फुटबॉल के चैंपियन सुपर स्ट्राइकर्स, पर स्काई बॉल अल्टीमेट 5 में सारे रूल्स मैं बनाऊंगा। से ज्यादा जरूरी है। स्काई बॉल दिखने में अच्छा है, पर वो सिर्फ शेख का एक और नाटक है। अरे नहीं मेरे दोस्त, पता है हमें पहला मैच खेलने के लिए खास बुलाया गया है। और जरा सोचो, हम दुनिया के सबसे महंगे होटल में रहेंगे, दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग पर फुटबॉल खेलेंगे और रेगिस्तान का सुंदर नजारा देखेंगे 4 कांच की दीवारों से। और सबसे अच्छा, विनर का फैसला होगा पब्लिक वोट से। ये फुटबॉल ही है, बस थोड़ा सा अलग है। मुझे तो एक बेकार सा रियलिटी शो लग रहा है। आपने तीसरा दिन पूरा किया ना? हाँ किया ही होगा, आप मुझे कहीं निराश तो नहीं करेंगे। चौथा दिन आखिर तुम्हारा ध्यान अपने उन सेल्फ हेल्प टेप से हट ही गया। हाँ, ब्रॉक स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल कोच हैं। अरे बाप रे, क्या बात है, मेरा तो सिर्फ ऊपर देखने से ही सर दर्द हो रहा है। सिर्फ कुछ ही खुश नसीब लोग ये गेम देख पाएंगे, पर इन लोगों को उम्मीद है कि टीवी ऑडियंस उतनी ही होगी जितनी सुपर लीग फाइनल में होती है। वहाँ ऊपर चलते हैं, मुझे देखना है कि आखिर चल क्या रहा है। मेरे प्यारे सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम वैसे जीने के लिए तैयार हो जैसा कभी नहीं जिए हो? क्या वैसे खेलने के लिए तैयार हो जैसा कभी खेले नहीं हो? चलो पहले समंदर चलते हैं। क्या बात है, वाओ। ला मिराज फ्रेंच में इसका मतलब है छलावा। यहाँ पर है दुनिया का सबसे महंगा डेकोर, मिंग डायनेस्टी चाइना के फूलदान, रूसिया के फेबोज एग्स, शेटलैंड पोनीज जो है शेटलैंड से ही शायद, कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इस सुवनियर शॉप में तो काफी कसर छोड़ दी है। और अब ला मिराज की तरफ से हर पार्टिसिपेंट के लिए अल्टीमेट 5 का एक मोमेंटो। अरे वाह, सोने की परत वाली फुटबॉल्स, इन्हें ले लो, तुम्हारे लिए ही है। दोनों टीम्स अगले 48 घंटों के लिए ला मिराज में ही रहेंगी टूर्नामेंट के खत्म होने तक। मैंने कहा था ना, रियलिटी शो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक पूरा एजेंडा है, पर सबसे पहले तुम सबको सेटल किया जाए। न जाने हम किस फ्लोर पर रहेंगे, वहां से बड़े अच्छे नजारे दिखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में कोई लिमिट नहीं होती। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कुछ सही चल रहा है शेख। मार्केटिंग, नई टीवी एड ब्रॉडकास्ट के लिए तैयार है शेख। मौसम, हमारी सैटेलाइट्स के मुताबिक गेम के लिए बहुत ही सही मौसम होगा। स्पीच राइटिंग, इवेंट की सारी स्क्रिप्ट्स ठीक से लिखी जा रही है शेख। एक और बात, आप कमाल है। सिक्योरिटी, सबके छोटे से छोटी हरकत पर हमारी नजर होगी शेख। गुड, सारी तैयारियां हो चुकी हैं एक शानदार इवेंट और सुल्तान्स के जीतने की। यम यम यम, काफी अच्छा इंतजाम किया है। क्या बात है, वाह क्या दावत है। खाना पसंद आ रहा है शेख, सारी चीजें दुनिया भर से मंगाई गई। लेकिन ये सुल्तान तो कम खा रहे हैं, महंगे मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम, सबकी पसंद। यहाँ आखिर हो क्या रहा है, अभी तक रूफटॉप ट्रेनिंग नहीं हुई है और अब ये हमें ऐसा खाना खिला रहे हैं। सारी चीजें उनकी निगरानी में ही बनी है शेख। हाँ शेख,
हम कल सुबह कितने बजे रूफटॉप पिच पर जा पाएंगे? ये तुम्हें होटल के मालिक से पूछना होगा। मालिक तो आप ही है ना? हाँ, पर ये सुल्तान्स के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए उनके कोच से पूछो। पर उनके कोच भी आप ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर शेख उसकी इजाजत कभी नहीं पर देंगे। शेख भी तो आप ही हैं। इस होटल में करने के लिए कई अच्छी अच्छी चीजें हैं। 8th फ्लोर पर है हॉट रॉक स्पा ट्रीटमेंट, बेसमेंट में है शॉपिंग, 5th फ्लोर पर है बिंगो। नहीं, तुम्हें बिंगो पसंद नहीं, तंदूरी मुर्गा? कुछ ज्यादा ही तंदूरी खा गया। चौथा दिन, याद रहे आज भी आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश कर रहे हैं ना, या फिर यूं ही खड़े हैं एक हाथ में कॉफी का कप और दूसरे में आधा खाया हुआ बिस्किट लेकर? अब चलो काम शुरू किया जाए। अगर शेख हमें वो नहीं देगा जो हमें चाहिए, तो मैं अपनी खुद की चार दीवार वाली पिच बनाऊंगा। लोग आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जीने का तरीका सिखा रहे हैं। क्या आपको बता रहे हैं आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं? आपको बता रहे हैं क्या कहना है या क्या नहीं? तो फिर मेरी सलाह मानिए। मुझे सोने दो यार, मैं नहीं चाहता मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएं। समझ गए? फूलदान का कचुंबर बना दिया। मैं तो बस थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। देखिए सुल्तान्स को हिसाब बराबर करते हुए जब वो हराएंगे सुपर लीग चैंपियन सुपर स्ट्राइकर्स को स्काई बॉल अल्टीमेट 5 में। मुझे लगता है वो पिछले सीजन वाली अपनी हार भूल गए। हाँ, पर इस वोटिंग के साथ यहाँ पर पूरा मामला ही अलग है। शेख मेरे दोस्त, एक फैंसी होटल प्रैक्टिस करने की सही जगह नहीं होती। ठीक है कैप्टन। और पता है उसके बाद? हाय दोस्तों, कहीं तुम लोग ऊपर रूफटॉप पिच पर तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं, वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे। लगता है वो लोग फुटबॉल के अलावा और भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम भी ना, अगर किसी से पूछ लोगे तो क्या हो जाएगा ह्यूबर्ट? हमें मदद की जरूरत नहीं, हम वहाँ खुद ही पहुँच जाएंगे। 10 मिनट पहले भी यही कहा था। कैप्टन की डायरी, स्टार डेट 21-32.5। मैंने देखा है कि शेख, आपको ये देखना चाहिए, वो छत की ओर जा रहा है जैसा आपने कहा था। इतना तो तय है कि वो बहुत ही जिद्दी है, पर फिक्र मत करो, सारी तैयारियां पहले ही कर दी गई हैं। बिंगो। क्या बिंगो हेलीपैड पर हो रहा है? मैं आपकी मदद करता हूँ। वाकई में ये जगह तो फुटबॉल खेलने के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ ट्रेनिंग करने में कोई मनाही नहीं है। वाओ, यहाँ की कंडीशंस तो कमाल के हैं। कोच को ये जानकर खुशी होगी। शेख, ये तुम क्या कर रहे हो? कोच, वो हवा, मैं तो बस यहाँ पर। शेख इस वक्त बहुत ही गुस्से में है। वीआईपी मेहमान लैंड नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम हेलीपैड पर हो, और अब तुमने उनके इतने कीमती तोहफे को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। एक मिनट, उन्हें ये कैसे? बहुत हुआ, तुम इस अजीब स्काई बॉल टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहते थे ना? तो लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, तुम नहीं खेलोगे। नहीं खेलेगा?
सुपर स्ट्राइकर्स के कोच ने कहा है कि उनका स्टार स्ट्राइकर इस वक्त सुल्तान्स के खिलाफ खेलने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी तो यही चाहता था ना, पर अब भी हमें गेम में उसकी मदद चाहिए। फिक्र मत करो, शेख के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी टीम को रोक पाएगा। तो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है जिसका सभी को इंतजार था, वो भी न जाने कब से। आज सुल्तान्स फुटबॉल को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। चार कांच की दीवारें जो बनी है दुनिया के सबसे ऊंचे होटल ला मिराज के ऊपर। अपनी आंखें स्क्रीन पर रखना और हाथ अपने फोन्स पर। हाँ दोस्तों, आज पहली बार एक फुटबॉल कॉन्टेस्ट का विनर आपके एसएमएस के आधार पर चुना जाएगा। तुम मेरा स्टाइल चुरा रहे हो। चश्मे ना पहनने का कोई रूल नहीं है फाइटर। अरे हाँ, असल में कोई रूल है ही नहीं, सिर्फ वोट्स है। और वही पुरानी रेड और व्हाइट यूनिफॉर्म्स पहने आए हैं कल की बाजी खबर सुपर लीग में कभी जीते हुए सुपर स्ट्राइकर्स हैं? ये किसने लिखा है? और चमचमाती ग्रीन यूनिफॉर्म में है आज के होस्ट सबकी जान सुपर लीग के अगले मेगा चैंपियंस और शायद आज के विनर्स सुल्तान्स एफसी। हमने हजारों बार ये प्रैक्टिस किया है, सब अपना काम जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं, तो अब हो जाए और गेम शुरू। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं गेम के इस नए रूप को लेकर। नहीं सब नहीं मैक, पता है आज कौन नहीं खेल रहा? शायद वो अब भी मदद कर सके। शायद अगर उसका वोट चलेगा तो। वैसे इस वक्त तो मैं भी सुपर स्ट्राइकर्स के लिए वोट नहीं करूंगा। मुझे एक बुरी दीवार मार्क करने की आदत नहीं है और मुझे इतना बुरा लगने की आदत नहीं है। ये सुल्तान अचानक हमसे इतने बेहतर कैसे हो गए? मैं बिल्कुल सही था। शेख पहले से हमारे साथ चाल चल रहा था। जरूर सुल्तान्स को ठहराया गया था ऊपर के फ्लोर्स पर और उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस भी की होगी। और शेख ने जानबूझकर मुझे पकड़वाया ताकि मैं खेल ना सकूं। न जाने उसने हमारे लिए और क्या सोच रखा है। रास्ता सब संभाल लेगा। ये ऊंचाई हमारे खिलाफ काम कर रही है, हमें दीवारों का भी इस्तेमाल करना होगा। शाबाश, दीवारों का इस्तेमाल करके उनके लिए खेलना नामुमकिन कर दो। जैसे कि हम पिनबॉल खेल रहे हो। और नतीजा दिखने लगा है। बच के रहना सुल्तान। चलो दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। बस तुम्हारी कमी है शेख मेरे दोस्त। T-1 minute। बहुत अच्छे, आप सब तैयार हो जाओ। इंफ्रारेड ऑन करो। अब देखो दीवारें कैसे इस्तेमाल करते हैं। कमाल है, इसीलिए तो ये लीग चैंप्स हैं। वो कितनी जल्दी सीखते हैं मैच, ऑपोजिशन उनका सामना कर ही नहीं पाता। हाँ दोस्तों चलो। वो जानते थे। अच्छा, ये मेरा स्टाइल चुराना नहीं है तो और क्या है? शेख ने हमें वाकई फंसाया है, अब तुम्हें खेल में शामिल होना होगा, ठीक है शेख? Yes, 175 स्कोर बराबर, अब एक पॉइंट बाकी। अब आप क्या ढूंढ रहे हैं? हमें वो बिंगो लाउंज मिला ही नहीं, इसलिए हमने अपना एक गेम बना दिया, लिफ्ट बिंगो। हमें सारा दिन लिफ्ट में ही रहकर बिंगो खेलने के लिए लोगों के चुने फ्लोर्स का इस्तेमाल करना है। मैं सीढ़ियों से जाता हूँ। अरे मेरे साथी कहाँ है? लगता है जैसे फाइटर वहाँ अकेले ही खेले जा रहा है। ये तो गलत हो रहा है ना? कॉन्ट्रैक्ट याद करो ब्रेंडा, हम सुल्तान शेख या लामिराज के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकते। इससे तो सुपर लीग ही अच्छा है। ये गलत है।
अब ये फुटबॉल है, कोई सर्कस नहीं। फिर भी इसे बोझ तो मिल ही रहे मैच। हाफ टाइम। अब सुपर स्ट्राइकर्स ब्रेक में अपनी आंखों से रेत निकालने के अलावा और क्या कर पाएंगे? इन्हें मेरे रूम अकाउंट में डाल देना। Come on! Yes! तुम हार गई, मैं जीत गया। शेख, तुम सुपर स्ट्राइकर से हो ना? हाँ। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ शेख, सच्ची। तुम्हें पता है मेरे पास तो सुपर स्ट्राइकर्स मैचेस की सारी डीवीडीज हैं। थैंक्स। क्या तुमने मेरे बारे में सुना है दोस्त? सुना होगा। ब्रॉक रॉकेनहावर। क्या कहा? Brock Rockenhauer, motivational trainer और एक life coach. मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। सच्ची? तो फिर क्या तुम्हें वहाँ ऊपर मेरी सलाह नहीं चाहिए? हुहा, बस टूट पड़ो, मेहनत करो। नहीं चाहिए। यहाँ तो मेरे घर से भी ज्यादा धूल है यार। चलो, इतना भी बुरा नहीं है। सब्स्टिट्यूट करो, मुझे सब्स्टिट्यूट करो। हमारा इकलौता सब्स्टिट्यूट गायब हो गया है। हम इस तरह के फुटबॉल में उन्हें बहुत अच्छी तरह से हरा रहे थे कोच, पर अगर कुछ दिखना ही बंद हो जाए तो। शेख ने कहा था शेख हमारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। इन चश्मों से काम बन जाएगा दोस्तों। शेख कोच मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत। तुम्हें भी चश्मे की जरूरत होगी। इस वक्त सुल्तान्स के वोट्स बढ़ गए हैं, खासकर तूफान में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बाद। पर अचानक सुपर स्ट्राइकर्स इस सिचुएशन के लिए तैयार लग रहे हैं। हाँ, पर इतनी तैयारी क्या काफी होगी? अच्छा लुक है मेरे दोस्त। इसकी आदत मत डाल लेना, ये मेरा ट्रेडमार्क है। सुपर स्ट्राइकर्स खेल में पैर जमाते जा रहे हैं, पर अभी वो काफी पीछे हैं। वो इतनी जल्दी अपने बोर्ड्स में बढ़ावा कैसे कर पाएंगे? हो गया, अब सब दुनिया वालों पर है। और क्या, लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त निकलता जा रहा है और बोट भी सुपर स्ट्राइकर्स के हाथों से निकलते जा रहे हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके लिए बोट्स की बारिश हो जाए? काश कि मुझे कुछ वक्त मिला होता यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। बॉल मेरी तरफ भेजो, शायद मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे बोट्स हमारे पास आएंगे। अब वो जो भी करे मैक, उनका आगे निकलना तो नामुमकिन है। मुझे ऐसा नहीं लगता ब्रेंडा। लगता नहीं सुपर स्ट्राइकर्स को इससे बोट्स में मदद मिलेगी। सही कहा मैक, बोट वापस आ रही है। क्या तुम कर सकते हो दोस्त? बिल्कुल कर सकते हो। मुश्किल घड़ी में भी शेख ने कर दिखाया। मुश्किल घड़ी में और तेज हवाओं में मैच, शेख ने आज यहाँ एक मिसाल कायम कर दी है। मैंने आज तक इतना अच्छा मूव कभी नहीं देखा, बस मेरे सारे मूव्स को छोड़कर। इसमें माहिर होने के लिए तुमने छत से कितनी बॉल्स को नीचे गिराया था दोस्त? वो एक्चुअली सिर्फ एक, पर वो बहुत ही महंगी थी। बहुत अच्छे सुपर स्ट्राइकर्स, पर वक्त खत्म हुआ और सुल्तान्स के वोट्स तुमसे ज्यादा है। गेम खत्म हुआ है पर वोटिंग नहीं। पर इसके लिए कौन सा रूल है शेख? यहाँ तो कोई रूल्स है ही नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स सुल्तान से आगे निकल रहे हैं स्काई बॉल अल्टीमेट 5 के इस पहले मैच में। मजा आया, अच्छा गेम था। क्यों ना अगले सीजन फिर एक गेम हो जाए? इंतजार रहेगा। मेरे लड़कों से पंगा मत लेना, ठीक है? हार तुम्हारी होगी। कोई बात नहीं, लगता है उन्हें हराने के लिए मुझे फिर से किसी नई चाल के बारे में सोचना होगा।
कहाँ गए सबके सब, जाओ मेरे लिए। आज का मैच कमाल का है। क्लब पार्लमेंटियरी एक गोल से आगे हैं। क्या वो अपनी बढ़त बनाए रखेंगे मैच? मुझे नहीं लगता उनके पास उतने प्लेयर्स हैं ब्रेंडा। वो लोग तो मक्खियों की तरह गिर रहे हैं और उन्हें गिराने वाले हैं इनविंसिबल यूनाइटेड। वो टैकल नहीं था, वो तो था हमला। बॉल डॉन एल्डो के पास है, वो बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहा है और लगता है कि वो कुछ करके ही रहेगा। साहब मुझे ही करना पड़ता है। और क्लब पार्लमेंटरी का प्लेयर गिर गया। एक बार फिर से इनविंसिबल बेमानी करके बच निकल रहे हैं। फिक्र मत करो शेख, मेरे दोस्त सुपर लीग वाले बेमानी करने वालों पर कड़ी नजर रखते हैं, वो इन सबको संभाल लेंगे। बेहतर होगा जल्दी संभाले वरना कोई टीम बचेगी ही नहीं। बहुत अच्छे स्कारा, फिर तुमने इनविंसिबल यूनाइटेड को लीग की सबसे गंदी टीम साबित कर दिया। थैंक यू विंस। मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, अब सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड हम पर नजर रखना शुरू कर देगा। शायद मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। तुम कौन हो? वो बंदा जो तुम्हारे खराब रेप्यूटेशन को गायब कर देगा। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, कौन हो तुम? अपनी जेब में देखो विंस। ऑटो वॉन्ट ट्रिक, जादूगरों का जादूगर। तो क्या तुम बर्थडे पार्टीज में जादू दिखाते हो? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ स्कारा। ओ ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? वही जो सारे महान जादूगर चाहते हैं, सबको चौंका कर मनोरंजन करना, नामुमकिन को एक सच्चाई में बदल कर रख देना, तुम सब लोगों की उम्मीदों को पलट कर रख देना। और मेरे अगले महान जादू के लिए मैं इनविंसिबल यूनाइटेड को सुपर लीग की सबसे ईमानदार टीम बनाना चाहता हूँ और सुपर स्ट्राइकर्स को सबसे बेईमान। अब इसे कहते हैं मेरी पसंद का जादू। इस हफ्ते भी हमने काफी दिल धड़काने वाले मैचेस देखे, पर साथ ही हमने देखा कि किस तरह इनविंसिबल यूनाइटेड ने बहुत ही घटिया और बेमानी भरे खेल का प्रदर्शन करते हुए क्लब पार्लमेंटरी बेईमान कहीं के। जैसा कि सब जानते हैं, अब सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड विंस की टीम पर कड़ी निगरानी रखेगा। हाँ, अच्छा है, खासकर उनके सुपर स्ट्राइकर्स के साथ होने वाले मैच के दौरान। उसके जवाब में इनविंसिबल यूनाइटेड ने एक बहुत ही अजीब ऐलान किया है। दोस्तों, खिलाड़ियों, साथियों, आजकल बेईमानी भरे खेल के बारे में काफी चर्चा हो रही है। माना इनविंसिबल यूनाइटेड ने अतीत में बेईमानी की है, दूसरे लोगों से अपने लिए बेईमानी करवाई है, अपने लिए बेईमानी करने के लिए रोबोट्स बनाए हैं, उन रोबोट्स को और भी बुरे रोबोट्स बनना सिखाया है, लेकिन भला ऐसा किसने नहीं किया। जरूरी तो यह है कि हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और हम सुधरने के लिए तैयार हैं। तो पेश है दोस्तों इनविंसिबल यूनाइटेड ईमानदारी का स्मारक, क्योंकि सबको एक दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। तुमने सही कहा टिमी। मेरा नाम जॉर्ज है। और कोई से मुझसे दूर ले जाओ, ये मेरा सूट खराब कर रहा है। ओह, सब वक्त की बर्बादी है। कोई हमारी बात नहीं मानने वाला। जब होडेनी ने कहा कि वो खुद को जिंदा दफनाएगा, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब कॉपरफील्ड ने कहा वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब करेगा, तब उसकी बात भी किसी ने नहीं मानी। सारे महान जादू अविश्वास से ही शुरू होते हैं और मैं ऑटो वॉन ड्रेक अब ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। हाँ, हम समझ गए, पर अब क्या? अब हम अपने स्टेज पर कुछ वॉलंटियर्स को इनवाइट करेंगे। इनविंसिबल यूनाइटेड ईमानदारी का स्मारक, ये तो फाइटर को विनम्रता का अवार्ड देने जैसा है। अरे शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस दुनिया का सबसे विनम्र इंसान हूँ। विंस ने जब उस बच्चे का नाम गलत कहा तो मैं इतनी जोर से हंसा कि सारा दूध मेरी नाक से बाहर आ गया और मैं तो दूध पी भी नहीं रहा था। पर विंस जानता है कोई उसकी बात नहीं मानेगा, तो ये सब क्यों? शायद वो हमारा ध्यान भटकाना चाहता है दोस्त। उसने और भी कुछ किया है, उसने हम सबको ईमानदारी के स्मारक के उद्घाटन में बुलाया है।
अरे वाह, अच्छा नाइट सूट है लूजर। मेरा मतलब तुमसे मिलकर अच्छा लगा शेख। अब तुम दोनों हाथ मिलाओ ताकि जो भी मन मुटाव हो वो सारा मिट जाए। वो क्या था? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। यूनाइटेड वालों का ईमानदारी का स्मारक, बात कुछ अटपटी है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके मेरे विनम्र होने से क्या लेना देना है। कैनपेस जेंटलमैन, शायद ये ब्रॉन्ज स्टैचू शेख को मेरे मसल्स की याद लगता है जैसे दो दिन पुराना खाना खिलाया हो। कहां गया वो वेटर का बच्चा? मुझे नहीं पता। अजीब है। ठीक है मिस्टर, बाहर निकलो। नहीं, सब बिल्कुल सही जा रहा है। मुझे तो अब तक किसी भी तरह का महान जादू नजर नहीं आया। जरा सब्र करो उसका। मान लीजिए विंस, उस सड़क छाप जादूगर ने आपको उल्लू बनाया। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, पर कोई भी महान जादू आसानी से नजरों को दिखाई ही नहीं देता है। मिसाल के तौर पर तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? एक बेकार ईमानदारी का स्मारक, और क्या। क्या ये वाकई सिर्फ एक ईमानदारी का स्मारक है? यहीं पर मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सिखाऊंगा मेरे जादू का सबसे आखिरी हिस्सा। आखिरकार कुछ तो हुआ, तो बताओ मुझे क्या करना है। अब मैं डालता हूँ अपने प्लान पर रोशनी। कोच, सब ठीक तो है ना? बेहतर होगा कि तुम सब पहले बैठ जाओ। सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड ने हमेशा ही गेम के दो पहलुओं को दिखाया है, एक काबिल तो दूसरा शातिर, एक ईमानदार तो दूसरा बेईमान, कोच के अच्छे खिलाड़ी और विंस के बुरे खिलाड़ी। पर कुछ ही दिन बचे हैं इन दोनों सुपर लीग चैंपियंस के बीच के गेम में और मामला कुछ उलट गया है। और अब एक अनजान शख्स ने हमें ये चौंकाने वाला फुटेज भेजा। चलो हाथ मिला लिया जाए। छोड़ो कहा शेख ने। अच्छा किया। मैंने ऐसा नहीं किया था। फाइटर ने ईमानदारी के मुंह पर थूका। सच में? अरे उन्होंने उस वेटर को नहीं दिखाया। सब गलत है दोस्तों। फिक्र मत करो शॉ, जो टीम सबसे ज्यादा मेहनत करती है वही ट्रॉफीज जीतती है, वो नहीं जो ऐसे घटिया खेल खेलती है। पर अगर हम वो सिक्योरिटी फुटेज हासिल कर लें तो यकीनन हम यूनाइटेड की चाल का भांडा फोड़ सकते हैं। इस वक्त हमें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। मैंने तुम सबके लिए सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में कुछ नया बनवाया है। इस बार तो उन्होंने हद कर दी जो। बिल्कुल सही कह रहे हो टाइगर। Hey, स्पेंसा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। यार बर्गर खाने का मन कर रहा है। अब चलो देखें यहाँ पर क्या क्या है। मिल गया। हमने देखा है कि इनविंसिबल यूनाइटेड अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई भी ओछी हरकत कर सकता है, लेकिन इस बार हम उनके लिए तैयार रहेंगे। तो पेश है द गॉन्टलेट। यूनाइटेड तुम्हें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम सबको जरूरत होगी तेजी की। Ah!
जब सामना यूनाइटेड जैसी फिजिकल टीम से हो तो चुस्ती और संतुलन होना बहुत जरूरी है। हाँ ब्लॉक, ताकत भी जरूरी है। हे कोच, ये सब किस लिए है? हर चीज के लिए तैयार रहो। मेरा पैर। गंदी रोबोट लड़की, मैं उससे अपना ऑटोग्राफ कभी नहीं दूंगा। हाँ स्पेंसा, क्या तुम्हें वो टेप मिला? मुझे तो और भी बहुत कुछ मिला। यूनाइटेड की तो अब खैर नहीं। देखो हे, उस वेटर ने मेरी शर्ट में कुछ डाल दिया था। और देखो यहाँ पर वो फाइटर को खराब खाना दे रहा है। मिल गया स्पेंसा, वो सबूत जो विंस और स्कारा को ठिकाने लगाएगा। पर सबसे अच्छी बात तो अभी आने वाली है। तुम्हारा मतलब? बस देखते जाओ। ईमानदारी के स्मारक के पीछे एक खुफिया रास्ता, इनविंसिबल यूनाइटेड की एक और चाल। यार मुझे लगा था कि वो सिर्फ हमें बुरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन दोस्त वहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। यूनाइटेड जो भी कर रहा है उसके बारे में हमें वहीं पर पता चलेगा। यस यस। सबका स्वागत है सुपर लीग के सबसे बड़े मुकाबले में, इनविंसिबल यूनाइटेड और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। विंस की टीम को इस लीग की सबसे बेईमान टीम माना जाता है, पर हाल ही में तो सुपर स्ट्राइकर्स इस बात को लेकर मशहूर होते जा रहे हैं। वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कुछ कर रहे हो उसकारा। बस गेम शुरू होने दो शेख, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब हार गए। और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स ने किया पहला अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स की इमेज भले ही बिगड़ी हो पर उनका खेल अब भी कमाल का है। और सुपर लीग बोर्ड इस बात से खुश होगा कि अब तक इस मैच में कोई उटपटांग चीज नहीं हुई। क्या हो रहा है? कहा है तुम्हारा महान जादू? एक अच्छे जादुई करतब को वक्त लगता है वेंस। पहले ऑडियंस को दिखाओ कि तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। पर असल में तुम उनका ध्यान उस बात से हटा रहे हो जो वाकई में हो रही है। मेरा वॉलेट। अब देखो। बहुत धीमे हो बच्चू। पोरी की तरह जमीन पर आ गिरा। पर डिंगान ने तो उसे छुआ भी नहीं। रेफरी, मैंने नहीं, उसने मुझे गिराया। झूठ मत बोलो फाइटर, वो तुम्हारे नजदीक भी नहीं था। अरे नहीं, कसम से उसने मुझे गिराया। उसने यहाँ पर क्या किया था? तुम खुलते क्यों नहीं? खुल जा, जल्दी से खुल जा। अरे वो। अब पता लगाया जाए यूनाइटेड कर क्या रहा है। ये नहीं हो सकता। ये गोल करने का बहुत ही अच्छा मौका है बेटा। सही कहा मैं। उसे पेनल्टी मिल गई है। इस तरह तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं गिराता है ब्रेंडा। पता नहीं दोस्त, ऐसा लगा कि तुमने ही उसे गिराया है। पेनल्टी किक स्कारा ले रहा है। और लो, उसने आसानी से गोल कर दिया। और उनके लिए ये डिजर्व भी करती है। आज वो हर बात में अच्छा कर रहे हैं सिवाय बेईमानी और दूसरों को गिराने के। आप इसे रोक कर दिखाओ। और ये शेक ही जमीन पर। अब देखना तुम क्या। शेक को डाइविंग के लिए मिलता है येलो कार्ड और इसी के साथ खत्म होता है फर्स्ट हाफ। इसे फर्स्ट राउंड कहना बेहतर होगा ब्रेंडा। ऐसा लग रहा है जैसे आज सुपर स्ट्राइकर्स फुटबॉल नहीं बॉक्सिंग खेल रहे हैं। ये नहीं हो सकता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक खाली कमरे को छिपाने के लिए इतना सब क्यों किया है?
यही होगा मेरा सबसे महान जादू और सुपर स्ट्राइकर्स पर हमारी सबसे बड़ी जीत। जादू, अब बात समझ में आई। एक जादूगर, मुझे शेक को बताना होगा। वहां पर हो क्या रहा था? फाउलिंग, डाइविंग? हम सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे नहीं खेलते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कोच, यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब हो रहा है। कैप्टन सही है, लगता है जैसे वो हमें फाउल कर रहे हैं, वो भी हमें फाउल किए बिना। क्या तुम सब के पास बस यही एक बहाना बचा है? अगर तुम सब ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। छोड़ दो मुझे। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने इस बदमाश को स्टेडियम खराब करते हुए पकड़ा। मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा है। अच्छा, तो फिर तुम इसे क्या कहोगे? इसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना। वो भी हरा रंग। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं तुम लोगों को जादूगर के बारे में बताने आ रहा था कि तभी ये मुझ पर झपट पड़ा। रुको, कौन सा जादूगर? वही जो वेटर था। विंस ने उसे अपने पास कोई महान जादू करने के लिए रखा है। अब क्या कोई इसे मुझ पर से हटाएगा? चलो अब इसे छोड़ दो। जादूगर? हाँ चलो दोस्तों, शायद मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये है क्या यार? किसी तरह का कोड या जादू का मंत्र? नहीं दोस्त, ये तो उल्टा है। ये इंस्ट्रक्शंस है कि फाउल और डाइव के छलावों का कैसे इस्तेमाल करना है। जब स्कारा ने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा तो वो बिल्कुल सही था। ये पूरा मामला, वो ईमानदारी का स्मारक, वो वीडियो टेप, वो गेम, वो सब एक बड़ी चाल का हिस्सा है जिससे इनविंसिबल यूनाइटेड अच्छे दिखेंगे और हम सब बुरे। जरा ये देखो, ऑडियंस को वो दिखाओ जो तुम उन्हें दिखाना चाहते हो, ताकि वो ना दिखें जो असल में हो रहा है। तो जब यूनाइटेड टैकल करता है तो सब उनका फ्रंट फुट देखने में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें हमें गिराने के लिए उनकी की हुई गंदी हरकतें दिखाई ही नहीं देती। अब वक्त आ गया है इनविंसिबल यूनाइटेड को दिखाने का कि वो अकेले ही ऐसी चालें चलना अब नहीं जानते। फुटबॉल में हर तरफ छलावे होते हैं, एक स्टेप ओवर, एक बैक हील, ये सभी अपने अपोनेंट को उलझाने के पैतरे हैं। अब बाहर जाओ और सबको दिखा दो थोड़ा सुपर स्ट्राइकर्स का जादू। एक, दो, तीन, सुपर स्ट्राइकर्स। लेकिन हाफ शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अब सुपर स्ट्राइकर्स नाटक में कम और फुटबॉल में ज्यादा ध्यान देंगे। मैंने देख लिया। कैप्टन रॉस्टा ने जो की तरफ बॉल भेज दी है। तुम बिना दिखे फाउल कर सकते हो, पर मैं तो बिना बॉल को किक किए पास कर सकता हूँ। ये तो मानना पड़ेगा, जो ने वाकई कमाल कर दिया। क्या मूव था! ओले! और क्या गोल थी! फिक्र मत करो, सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स भी कभी कभी नाकामयाब होते हैं। उस गोल ने सुपर स्ट्राइकर्स को गेम को अपने कब्जे में करने का कॉन्फिडेंस दे दिया है। और ये फाइटर का अटैक, कोच ने जरूर हाफ टाइम में उन्हें अच्छी तरह से समझाया होगा क्योंकि स्ट्राइकर्स फिर से अपने पुराने तरीके से खेलने लगे हैं। जादू गया गड्ढे में, अब वक्त है असली फाउलिंग का। यूनाइटेड उस पर टूट पड़ो। पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। गॉटलेट को याद कर शेख। शेख बॉल को लेकर गोल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए। बहुत ही सुंदर खेल का नजारा। ये आया स्कारा। सुपर स्ट्राइकर्स जो भी करते हैं, इनविंसिबल यूनाइटेड उनसे बदतर करते हैं। लगता है यूनाइटेड ने जादू वाली चालों को छोड़कर अपनी पहले वाली गंदी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। क्यों ना हम उन पर अपना एक जादू आजमाएं? स्ट्राइकर्स अब अपनी फ्री किक लेने जा रहे हैं और यूनाइटेड को यकीन नहीं हो रहा है। लगभग पूरी टीम ही उसे लेने के लिए खड़ी हो गई है। कहा है? कैसा लगा जादू? शानदार की गोल! इस पर यकीन करने के लिए उसे दोबारा देखना होगा, इसलिए एक रीप्ले हो जाए। फाइटर ने बखूबी उसका ध्यान हटाया और शेख ने एक शानदार गोल से उसका साथ दिया।
मैंने कहा था ये बेकार प्लान काम नहीं करेगा। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। हाँ वो शज़ाम कहाँ गया? वो वहाँ पकड़ो उसे। ओ मिस्टर, बाहर का रास्ता उस तरफ है। अब इसे कहते हैं जादू का फुस होना। माउंट कीन के वॉल्केनो की राख अब भी वातावरण में फैल रही है, इसलिए सारा एयर ट्रेवल बंद कर दिया गया है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड के मैच तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने में लगे। सिर्फ फैंस नहीं, गंदा वॉल्केनो, क्या उसे नहीं पता मैं सिर्फ प्राइवेट जेट्स में जाता हूँ? हमें तो ट्रेन से घर पहुंचने में सालों लग जाएंगे, इसीलिए तो मैं हमेशा एक इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर मिस्ट्री स्टोरी साथ लेकर सफर करता हूँ। इस स्टोरी का नाम है गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य। ये एक रहस्यमय ट्रेन के बारे में है जो गायब हो जाती है। हाँ। चलो अभिषेक, इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए ये वाले शॉट्स काफी नहीं होंगे। हाँ दोस्त, तुम अपना वो नया फैंसी शॉट क्यों नहीं ट्राई करते? हाँ वो नकल बॉल नहीं यार, वो तैयार नहीं है। ओ कम ऑन शेक, एक बार तो करके दिखाओ। ठीक है, फिर मत कहना मैंने वॉर नहीं किया। हमारी छोड़ो, तुम्हें तो पहरेदार को वॉर्न करना चाहिए था। काश तुम स्कारा का सामना करने से पहले इसे परफेक्ट कर पाते। इतने यकीन से मत कहो, चलो हमारी ट्रेन आ गई है। ओ, मैं तो बिल्कुल गलत था, काश कि ऐसे ही वोल्केनोस बार बार फटते रहे। और अभी तो सबसे अच्छा हिस्सा आना बाकी है। तो पेश है प्रोफेसर का नया इन्वेंशन, एक ट्रेनिंग कोच। मगर हमारे ट्रेनिंग कोच तो आप है ना? ये एक ट्रेन का कोच है फाइटर। क्या आप हमारे साथ ट्रेन में नहीं चल रहे कोच? ये एक ट्रेन का कोच है जो ट्रेनिंग देता है जैसे एक कोच। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर और गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य जैसी ही ट्रेन है। मेरे क्लाउस वॉन क्लिंकर ऑफन के कोई भी रहस्य ज्यादा देर तक रहस्य नहीं रहेंगे। हाँ, सिवाय इस रहस्य के कि तुम्हारा सरनेम ऐसा अजीब क्यों है। मैंने इस सीजन के स्टेट्स एनालाइज किए हैं, पासिंग, शूटिंग, बॉल लेना। इनविंसिबल यूनाइटेड और हम तकरीबन हर बात में एक जैसे हैं, इसलिए हमें इस होने वाले मैच के लिए कुछ खास करना होगा। वो नकल बॉल। सही कहा। लगता है जैसे हम चल ही नहीं रहे। ये काम कैसे करता है? मुझे लगा ही था तुम ये पूछोगे। एक्टिवेट ट्यूटोरियल वीडियो। ये बहुत ही आसान है। इस पूरे कैरिज पर ढेर सारी स्टील ट्यूब्स की लेयर्स हैं और हर एक को अंदर से समान डेंसिटी के मुताबिक रखा गया है, जिससे होने वाली बोयंसी कंपन को कम कर देती है, जिससे कैरिज को लगने वाले झटके अंदर से महसूस नहीं किए। मेरा मतलब ये ट्रेनिंग कैसे काम करती है? हाँ, एक्टिवेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आगे बढ़ो, ट्राई करके देखो। मैच ठीक 3 दिन बाद है, तब तक नकल बॉल तैयार कर लो, फिर हम यूनाइटेड से एक कदम आगे हो जाएंगे। हाँ,
सारा दिन छानबीन करने के बाद भी मुझे यहाँ एक भी रहस्य नहीं मिला है। हाँ, और बटलर ने कहा है अगर तुम फिर से उसके कमरे में जाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें ट्रेन से बाहर फेंक देगा। इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर नॉवेल्स में गुनहगार हमेशा बटलर ही होता है। मैं जानता हूँ ये उसी ने किया है। क्या किया है यार? इसी बात का तो पता लगाना है। ओ बटलर, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? चिल करो यार, ये तो बस हमें खाना दे रहा है। उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मेरा कबाब, आखिरकार एक रहस्य। तो बताओ शेख, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? थकाने वाली। बाकी सबके साथ क्या चल रहा है? सब लोग मेरी बात सुनो प्लीज, एक लज्जतदार रसीला कबाब चोरी हो गया है इसी ट्रेन में, और गुनहगार तुम में से ही कोई एक है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, सिर्फ काम बताऊंगा। बटलर, नहीं छोड़ दो मुझे। सॉरी दोस्तों, ये कुछ ज्यादा ही सोचता है। और वो भी बिना दिमाग के। मैंने बेकार में ही पूछा। तुम बस नकल बॉल को परफेक्ट करने में ध्यान दो, इनविंसिबल यूनाइटेड हमें आसानी से जीतने नहीं देने वाला। हाँ, पर वो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे हमें फायदा तो जरूर होगा। क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है शेख, सिर्फ तुम ही इस ट्रेन में सफर कर सकते हो? पर अगर पता होता कि तुम इस ट्रेन में हो तो मैं कभी नहीं आता। हाँ, अब जाकर अपना काम करो, मुझे भी जरूरी काम है। वो तो मैं देख रहा हूँ, उस फैंसी कोच में क्या है? तुम्हें क्यों जानना है? मुझे बताओ। नहीं। क्यों नहीं? पहले प्लीज कहो, फिर मैं सोचूंगा। अच्छा ठीक है, प्लीज। नहीं। क्यों ना इसके लिए गेम हो जाए, डाइनिंग कार में खेलते हैं, पहला गोल करने वाला जीतेगा। डर गए हो तो रहने दो। मुझे लगा था तुम्हारा बैंड बजाने के लिए मुझे गेम का इंतजार करना होगा। देख लो कहीं तुम्हारा खुद का ही बैंड ना बज जाए दोस्त। शानदार टैकल। शायद तुम्हें अपनी बेकार कमेंट्री पर कम और बॉल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब तुम गए लूजर। सॉरी। अब तुम देखो। लगता है ट्रेन मेरे साथ है, जीतने वाले के साथ। भूल जाओ स्कारा। सरप्राइज। डिंगान। गोल। स्कारा जीता। तुमने चीटिंग की। मैंने कहा था खेलते हैं, ये कब कहा था कि अकेले खेलेंगे। अरे वाह, वैसे सुपर स्ट्राइकर्स जैसी सेकेंड रेट टीम के लिए ये काफी अच्छा है। तुम यहाँ करते क्या हो? वो क्या है? मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब तुम्हें चलना चाहिए स्कारा। हाँ हाँ, दिखाने के लिए थैंक्स। मुझे जितना देखना था मैंने देख लिया। ठीक है, दूसरा दिन, नकल बॉल, मैं आ रहा हूँ। Yeah.
बेहतर होगा तुम इसे ब्लॉक से पहले खा लो। ये लो। नकल बॉल की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वो तैयार है। स्कारा ने भली ट्रेनिंग कोच देख लिया हो पर उसे नहीं पता कि उसका सामना किससे होने वाला है। ये तुम क्या बोल रहे हो? स्कारा ने मुझे खेलने की चुनौती दी और तुम्हारे कहने का मतलब है कि स्कारा इस ट्रेन में है? तुम कह रहे हो कि तुमने अब तक डिंगान और स्कारा को नहीं देखा, पर ये कैसे हो सकता है? वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ मुसीबत जरूर आती है। छोड़ो कैप्टन, हम पीछे छूटे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है और मामला बदतर होने वाला है। यहाँ किसी तरह का इमरजेंसी सिस्टम तो होना ही चाहिए। शेख, मुझे एक बॉल दो, मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन ये कोई ट्रेनिंग का वक्त नहीं है कैप्टन। ट्रेनिंग खत्म हो गई शेख, अब वक्त आ गया है नकल बॉल को आजमाने का। इसका मतलब यह है कि तुम नकल बॉल में माहिर हो गए हो शेख मेरे दोस्त। अब तुम नहीं बचोगे। कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा, उससे यहाँ कहीं तो होना ही चाहिए। मुझे एक बात समझने दो, तुम कह रहे हो कि इनविंसिबल यूनाइटेड चुपके से आए, बिना किसी को दिखे उन्होंने तुम्हें रास्ते के बीच में छोड़ने की कोशिश की और फिर चलती ट्रेन से गायब हो गए? हाँ, हाँ? मुझे लगता है तुम क्लाउस के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। फिक्र मत करो दोस्तों, ये रहस्य अभी सुलझने वाला है। एक्सक्यूज मी, रास्ते से हटो, इंस्पेक्टर वॉन क्लिंकर हॉफन आ रहा है। सॉरी लेट हो गया, मैं अपनी मूछ लेने गया था। बोलते रहो। मुझे पता है ये सुनने में अजीब है, पर भला और कौन मुझे रास्ते के बीचों बीच छोड़ना चाहेगा, वो भी एक बड़े गेम से ठीक पहले। गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य सच हो रहा है, तो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस ट्रेन में एक ऐसा बंदा है जो ऐसा कर सकता है। यकीन नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं। शेख, जब हम नामुमकिन बात को हटा दें, हाँ, जैसे कि स्कारा का एक चलती ट्रेन से गायब होना, तो जो बचता है चाहे कितना भी गलत लगे सच वही होता है। साफ साफ कहो प्लीज, ये बटलर का काम है। तुम फिर आ गए, एक बार कहा ना मैंने तुम्हारा कबाब नहीं लिया। अब मामला एक मामूली कबाब का नहीं है, अब मामला है उसका। हाँ, ये बैग तो ट्रेनिंग कोच का है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। चुप रहो बटलर, अब तुम अगला कबाब जेल की कैंटीन में ही परोसोगे। मैच का दिन आ गया है और अब भी सारी फ्लाइट्स बंद हैं, इसलिए दोनों टीम्स को मजबूरन गेम में वक्त पर पहुँचने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं, और ये आ रहे हैं सुपर स्ट्राइकर्स। वो आ गए। ये मेरा सबसे बढ़िया केस था। ये तुम्हारा इकलौता केस था। बस ये केस अभी बंद नहीं हुआ है। शुरू होने वाला है। मैच क्या दोनों टीम की तैयारी में कमी होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता ये मैच हमेशा जितने ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर जा पाएगा ब्रेंडा। और मैच शुरू। लगता है हम गलत थे ब्रेंडा, शेख और स्कारा में तो लंबे सफर की थकान के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो दोनों तो पूरे जोश में हैं। दोनों में से किसी का भी पलड़ा भारी होना आसान नहीं होने वाला। मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ने का प्लान था। ऐसा घटियापन तो तुम ही कर सकते हो स्कारा। तुमने पेपर नहीं पढ़ा क्या शेख? वो तो बटलर ने किया। तुमने भले ही सबको धोखा दे दिया पर मुझे पता है वो तुम थे। उसकी जरूरत करो, तुम्हारा प्लान चौपट हुआ, नकल बॉल पूरा हो गया है और ये मैं साबित कर सकता हूँ। शायद शुरुआत हो चुकी है स्कारा। बस करो, मैं तो सचमुच डर गया। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो तुमने मुझे रास्ते में ही रोकने की कोशिश की थी। प्लीज, मुझे तो पता भी नहीं था तुम उस ट्रेनिंग कोच में थे। इसका मतलब तुम भी उस ट्रेन में थे क्यों? मुझे
मुझे माफ कर देना शेख, तुम्हारा शक पहले से ही सही था। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर से भी गलतियाँ हुई होंगी। स्कारा का प्लान नहीं चला और अभी हम आगे हैं, बस इतना ही जरूरी है। अफसोस, बात इतनी आसान नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? स्कारा ने मान लिया कि उसे पता नहीं था कि तुम उस ट्रेनिंग कोच में थे। इसका मतलब उसका इरादा तुम्हें गेम तक पहुंचने से रोकने का नहीं था। तो उसका इरादा आखिर था क्या? इनविंसिबल यूनाइटेड तो बराबरी पर आने के लिए बेताब लग रहे हैं। रास्ते से हटो। हाँ, पर शेख के बढ़िया गोल के बाद अब उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। हवा में बॉल, वो नकल बॉल, क्या? और ये गोल! लगता है इन दोनों टीम्स के बीच फैसला करने के लिए सिर्फ एक नया मूव काफी नहीं होगा। वो मेरा शॉट है। उसका प्लान मुझे वहाँ छोड़ना नहीं था, वो तो नकल बॉल को अपने लिए चुराना चाहता था। इसलिए उसने कोच को खोल दिया, लेकिन फिर वो नकल बॉल को सीखने के बाद भी मैच में वक्त पर कैसे पहुँचा? लगता है तुम्हारा सीजन अब पटरी से उतरने वाला है। एक बड़ा जुर्म, खुद के बचाव का इंतजाम, चालाकी भरी बातें, ये बंदा तो माहिर है। अपनी लीड का इंतजाम करके अब इनविंसिबल यूनाइटेड अपना पहला सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्लाउस, ट्रेन के गुजरने के बाद रेलवे लाइन स्विच हुई थी। पर क्यों? क्योंकि इनविंसिबल यूनाइटेड की एक और ट्रेन रुकी हुई थी, उन्हें वहां से लेकर यहां गेम तक लाने के लिए। अरे हाँ, इसी तरह स्कारा हमारी ट्रेन से बचकर निकल गया होगा, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेनिंग कोच पर मौजूद था। रास्ता और मैं बचने की फिराक में उसे देख ही नहीं पाए। शेख पहले से ही सही था, ट्रेन की चोरी के पीछे स्कारा ही है। सॉरी, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया दोस्त। पर अगर तुम उस तरह के गोल्स बनाते रहे तो तुम जो चाहे सोच सकते हो। तो तुमने रहस्य सुलझा दिया, अब चलो यूनाइटेड को धो डालते हैं। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है, गोल पर गोल हो रहे हैं। शेख और स्कारा के बीच की समानता चौंका देने वाली है, वो दोनों ही एक शूटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो अपने बीच के मनमुटाव को भुलाकर एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं, वो तो एक ही फील्ड पर एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं करते। आखिरी मौका, क्या विनिंग गोल सुपर स्ट्राइकर्स करेंगे? अफसोस, स्कारा ने पहले ही शेख को रोक लिया। शातिर चाल, ये फ्री किक भी शायद काम नहीं आने वाली, शेख के नए थंडरबोल्ट के साथ भी। हम इनविंसिबल यूनाइटेड वाले तो ड्रॉ से भी काम चला लेंगे। मैं अब भी एक बात समझ नहीं पाया स्कारा, तुमने कोच का पैग आखिर बटलर के कमरे में रखा कैसे, जबकि तुम ट्रेन में थे ही नहीं? अगर हुनर हो तो सब आसान होता है। मैं निकल ही रहा था कि तभी मुझे एक कमाल का आइडिया आया। इंस्पेक्टर वॉन बेवकूफ तो बटलर को ही गुनहगार बनाने पर तुला हुआ था। इसलिए तुमने सबूत को वहीं छोड़ दिया और गुनहगार के ट्रेन पर ही होने से केस वहीं रफा दफा हो गया। बहुत अच्छे स्कारा, पर हम अब भी तुम्हें हराएंगे। प्लीज, वक्त कहाँ है, तुम्हें हमारे साथ पॉइंट शेयर करने होंगे, जैसे तुमने शेयर किया अपना नकल बॉल। ये सही है, वो पैग ही इस पजल का आखिरी हिस्सा था, पर इससे गेम को हमारी तरफ आने में कोई मदद नहीं मिली है। पैग हमारी तरफ। और ये शेख की जोरदार किक। फैंटास्टिक, शेख का एक और ब्रांड न्यू शॉट। स्कारा तुम्हारा मूव चुरा सकता है, पर तुम्हारी क्रिएटिविटी नहीं। हाँ, तैयार रहना अच्छा होता है, पर कभी कभी फुटबॉल में उसी पल के लिए जीना होता है।
वैसे तुम्हें वो नया मूव आखिर सूझा? ये वाला रहस्य तो मैं अपने तक ही रखूंगा, मुझे स्कारा को और ज्यादा क्रेडिट नहीं देना है। वैसे रहस्य से याद आया, क्लाउस कहाँ है? ठीक है, सारे निशान मिटा दिए, अब चलो पकड़े जाने से पहले इसे कहीं छोड़ दे। पर कमाल है ना स्कारा, लग रहा है जैसे कि हम हिल ही नहीं रहे। वो इसलिए क्योंकि हम हिल नहीं रहे बुद्धू, हम ट्रेन यार्ड में हैं। पर वाकई कमाल है, इस वक्त अगर हम 100 मील की रफ्तार से जा रहे होते तब भी कुछ महसूस नहीं होता। आखिरकार रहस्यमय ट्रेन गायब हो गई, गुनहगारों को अपने साथ लिए। आपकी मदद के लिए फिर से शुक्रिया इंस्पेक्टर बॉर्न। सिर्फ क्लाउस भी चलेगा? उन दोनों के लिए जेल की कोठरी तैयार हो जाएगी उस बटलर को रिहा करने के बाद। ओ हाँ, उससे मेरी तरफ से माफी मांगना। फिक्र मत कीजिए, हमें भी वही गुनहगार लगा था। हाँ, इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर की स्टोरीज में गुनहगार हमेशा बटलर होता है। हाँ, हमेशा। रुको, आप दोनों इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर को जानते हैं? और नहीं तो क्या, उन्हीं की वजह से तो मैं एक सुपर लीग एजेंट बना हूँ। हाँ, मैं भी। क्या सच में? हमारे हेडक्वार्टर्स में हमने उनका पोस्टर भी लगाया है। हाँ, सच में। तो क्या आप उनका इंस्पेक्टर थीम सॉन्ग जानते हैं? बिल्कुल। इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर है प्रीमो डिटेक्टर, उनमें है स्टाइल, उनमें है क्लास, करते हैं शान से पूछताछ।